सो हेलो गाइज, कैसे हो? आपसे भाई हो, आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज के शो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ नाम बोल के किसी को भी कॉल लगा सकते हो। गाइज सिर्फ आपको अपने फोन के पावर बटन को दो बार प्रेस करना होगा, दबाना होगा, और गाइज जिसको आप कॉल लगाना चाहते हो उसका नाम बोलना होगा, ऑटोमेटिक उस बंदे को कॉल लग जाएगा। ठीक है गाइज, सिर्फ उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन बुक में सेव होना चाहिए, और गाइज जब आप उसका नाम बोलोगे उसको कॉल लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम दो बार पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पावर बटन को प्रेस कर दिया है, अब आपको नाम बोलना है। ठीक है, हेल्पलाइन, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्पलाइन पे कॉल लग चुका है। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से नाम बोल के किसी को भी कॉल लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे आपको अपने फोन में इसको सेट करना है। गाइज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइज आपको सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वो कॉलर, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की रेटिंग 4.1 की है, काफी अच्छी रेटिंग है। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें सेटअप करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप मोबाइल डेटा को ऑन करके रखोगे तो आपको कुछ एड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। गाइस जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको इसमें कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। ठीक है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब इसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इसका कुछ खास इंटरफेस नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इसे में आपको सेटअप करना है। सिंपली गाइज आपको यहाँ पे नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, इसके बाद गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस सेटिंग से आप अपने फोन के पावर बटन की टाइमिंग को सेट कर सकते हो कि कितने सेकंड के अंदर आप दो बार बटन को प्रेस करोगे। ठीक है, अगर आप 1 सेकंड पे सेट कर दोगे तो आपको 1 सेकंड के अंदर दो बार प्रेस करना होगा। अगर आप इसको 2 सेकंड पूरा कर दोगे तो दोस्तों आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रेस करने के लिए। तो हम इसको 2 सेकंड पे सेट कर देते हैं, अब आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको 1 सेकंड पे सेट कर देना है। ठीक है, तो हमारी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको इसको कट कर देना है। अब गाइज हम फिर से यहाँ पे दो बार पावर बटन को प्रेस करते हैं। हेल्पलाइन, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से हेल्पलाइन पे कॉल लग चुका है। इस तरह गाइज आप बोल के किसी को भी कॉल लगा सकते हो, सिर्फ उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन बुक में आपके फोन में सेव होना चाहिए। ठीक है, और गाइज आपको करेक्ट नेम यहाँ पे बोलना होगा, और गाइज ऑटोमेटिक उस बंदे का कॉल लग जाएगा। ठीक है, इस तरह गाइज आप बोल के किसी को भी कॉल लगा सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है काफी परफेक्ट वर्क करता है। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।